some moments in our life we can't forget those moments. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मैं हूं रोहित और स्वागत है मेरे चैनल यूके 13 ब्लॉगर पे। तो आज है एनएसएस का सातवां दिन, और सातवां दिन बोले तो लास्ट दिन। तो आज क्या क्या होगा तो दिखाते हैं आपको। और तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने एनएसएस शिविर में, तो अब दिखाता हूं आपको यहां क्या क्या अभी कार्यक्रम चल रहा है। तो गाइज ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये स्टेज स्टेज सज रहा है, और यहाँ पीछे देख सकते हो आप दीप प्रज्वलन, और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। आज है लास्ट दिन, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं यार, ये भाई यहाँ पे अभी अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, इनसे पूछते हैं यार आज आपको कैसा लग रहा है, मतलब आज आखिरी दिन है तो कैसा लग रहा है पंकज भाई? शुरू में तो हमें सब बेकार लग रहा था, आज लास्ट डे है कैंप का, तो मैं बहुत बेकार लग रहा है। मतलब एक तरफ जो हो रहा था यहाँ पे, और एक तरफ ये भी है ना, एक बार जो ये वाली एनएसएस कैंप की जो यादें हैं तो वो आपको मतलब जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों? हाँ, वो तो हमें याद रहेगी पूरा, हमने मतलब पूरा फोन में कैप्चर करके हर चीज़ को, तो हमें याद आते रहेगी हमने कैंप में क्या क्या इन्जॉय किया था, क्या क्या किया था, कहाँ भ्रमण में गए थे, और कुछ सीखा भी आपने इस बहुत कुछ सीखा। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा ध्यान है हमें, यहाँ पे रोड कैसे चलना है, रैली बना के भी चलना सीखा किसी बहुत लोगों ने, और हर चीज़ का ध्यान रखा हमने यहाँ पे, खाना बनाना तक सीखा सबने। वो तो है कि और किसी को प्याज काटना नहीं आता, किसी को धनिया काटना नहीं आता, तो सब सीखो यहाँ पे। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और कुछ भाई लोग हैं यहाँ पे, अतुल भाई आपने क्या सीखा इस कैंप में? मैंने इसमें बहुत चीज़ सीखा, जैसे मैं भाषण देने वगैरह में बहुत घबराता था, पर आज मैं इतना है कि मैं बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने भी, सबसे ज्यादा जनता के सामने भी भाषण दे सकता हूँ, और मैंने खाना बनाना भी सीखा। और अभी इंजॉय से कर रहे हैं क्योंकि आज लास्ट डे है, बहुत बुरा भी लग रहा है, अच्छा तो लग रहा नहीं बिल्कुल कि अब यार कैंप में तो सोच रहा कैंप और बड़ा रहता तो और अच्छा मजा आता। वो तो होता है क्योंकि आपका कैंप जो है वो डे डे का, अगर नाइट का तो और मजा आता है। नाइट का रहता तो हमें और इंजॉय करने के लिए मिलता है, ऐसे नाचने के लिए मिलता है, जैसे अभी तक हम नाच रहे थे हमने इंजॉय किया थोड़ा, वैसे हर दिन होता अगर नाइट का रहता तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस कैंप में। और अब मिलते हैं और बात करते हैं अनुज कोठारी से। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा भाई यहाँ पर रोहित भाई, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। अभी मजा आएगा ना। तो मैं बताना चाहूँगा कैंप के बारे में, तो यहाँ पे हमें पहले दिन तो सब बकैती, मतलब कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आज लास्ट के दिन बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अंदर पर हमने डांस किया, मस्ती की, और आज हमारी खाना बनाने की बारी भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमसे बहुत अच्छा खाना बने। और आज हमारे यहाँ पे सीनियर्स भी आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू भाई हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा यार आपको, लड़कों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दुख भी हो रहा है उन्हें कि आज लास्ट डे है, तो अभी आपके बातचीत करवाएंगे और लोगों से, और आगे का कार्यक्रम आपको दिखा दे रहे हैं। आज भी खाने की तैयारी चलेगी, मतलब आज भी खाना बनेगा लास्ट दिन, और ये देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी सब तैयारी हो चुकी है, और कुछ ही देर में मुख्य अतिथि आने वाले हैं आज के। तो रहन दो फिर। गाइस देख सकते हैं कुछ मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं यहाँ पे सब आता, और अब देखना बाद में क्या क्या होता है। और गाइस देख सकते हैं सारे बच्चे बैठ चुके हैं, और आगे से अब कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। 21/3/2021 से जो है हमारा यह राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया। आज सप्तम दिवस में यहाँ पर समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभिनंदन में स्वागत गीत की प्रस्तुति स्वयं सेवियों के द्वारा की जाएगी। स्वागतम 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 यहाँ पे
सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सुधांशु शेखर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना कार्यक्रम यहाँ पर सकते हैं ये आज की खाने की तैयारी हो रही है। तो और हम भाई से पूछेंगे, भाई आज क्या बन रहा है? आज तो पुलाव बन रहा है। अच्छा, और आज पुलाव बन रहा है। और ये हमारे मनोज भाई देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और देख सकते हैं यार अभी मसाला बन रहा है, उसके बाद देखते हैं प्याज भुनने के बाद उसके बाद टमाटर पड़ेगा, नमक मसाला पड़ेगा। परम आदरणीय कोठारी जी का और परम आदरणीय नेगी जी का के आगमन पर मैं उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन अपने एनएसएस परिवार की ओर करता हूँ। रुद्रप्रयाग जमदोकी जी का, धनाचार्य जी का, श्री कोठारी जी का और श्री नेगी जी का चले तुम्हें तारों के शहर में धड़कन पे दुनिया हम प्यार न करने। ओए ऊपर आ जा। सर उसके स्वयं के परफॉर्मेंस था वो देख सकते हैं आप। बुलाना भी चाहते हैं तो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। सम मोमेंट्स इन अवर लाइफ वी कांट फॉरगेट दोज मोमेंट्स। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और ऐसे ही क्षण ये एनएसएस का भी होता है जहां पर हम राष्ट्रीय सेवा योजना जो नेशनल सर्विस स्कीम है उसके लिए हम एकजुट एकत्रित होते हैं। इसका जो आपको आभास हो रहा है कि देखिए हमारा कल तक हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर खेलते थे, किस प्रकार से एक समूह में रहते थे, ये सारी चीजें आपने देखी है। अभी सुनीता और गाइस देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम हो चुका है खत्म, और अब कुछ ही देर में खाने की तैयारी होगी और उसके बाद आज का सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, और ये गाइस देख सकते हैं खाने की तैयारी हो चुकी है, और गाइस ये देख सकते हैं यार आज का कैंप खत्म होने वाला है, और देख सकते हैं आप सब लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद सामान पकड़ेंगे और जैसे पहले दिन आए थे आज वैसे ही जाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।